उम्मा रहमतुल्लाह व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज दो अहम खबरों पर बात करते हैं। एक है हिंडल का कब्रिस्तान, जिस पर लैंड माफिया नाजायज कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मां साहब कुड़ची, जहां की पीडीओ ग्राम पंचायत कुड़ची में 25% कमीशन मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। आज इन दो खबरों पर तस्करा करते हैं। पहली खबर आज की जो है हिंडलगा कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान वो जगह है जिसे आखिरत की मंजिल की सबसे पहली मंजिल कहा जाता है, पर अब कुछ लोग इस पर भी गैर कानूनी कब्जा जमाने की फिराक में देखा जा रहा है। वैसे तो अवकाफ की जमीन भी अपने कब्जे में लेने की तैयारी में मरकजी हुकूमत यानी कि मोदी हुकूमत है। खैर, मस्जिदें, मदारिस और अब कब्रिस्तान भी निशाने पर देखे जा रहे हैं, कई मामले पेश आ रहे हैं। लिहाजा आज का वाकया हिंडलगा के कब्रिस्तान का आया है, जिस पर आज तस्करा करते हैं। कुल 5 एकड़ जमीन है और अरसे दराज से यहाँ मैयतों को दफनाया जाता रहा है, पर कुछ शरपसंद अनासिरों की जानिब से कब्रिस्तान ही पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज कब्रिस्तान कमेटी और हिंडलगा जमात की जानिब से अंजुमन पहुँच कर अपना मुतालबा पेश किया गया और मीडिया को कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदार जनाब एमडी मुल्ला ने बताया कि मुसलमानों की रिहाइश तो बहुत पुरानी है हिंडलगा गाँव में, पर इस कब्रिस्तान में 1895 से वहाँ मैयतों को दफन करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लिहाजा 2002 तक तकरीबन 390 मैतों को दफना गया, जिसके दस्तावेज तहसीलदार दफ्तर में मौजूद होने की बात एमडी मुल्ला ने बताई। उन्होंने बताया कि 1967 में गांव के पटेल साहब ने मैसूर स्टेट ऑफ बोर्ड को खतूत लिखकर बताया था कि हिंडलगा में सर्वे नंबर 88 जो मुसलमानों की जमीन है, जमीन तकरीबन 4 एकड़ 35 घंटे, जिसका केयर टेकर गेंजी नाम का एक शख्स है जो पेशे से किसान है, लिहाजा पूरी जमीन को वफ के अंदर रजिस्टर किया जाए। इसी खत के मद्देनजर डीसी बेलगाम ने दिगर महकमा को हिदायत देते हुए पंचनामा का हुक्म दिया, जिसका पंचनामा भी किया गया और तफसीलात को रियासत कर्नाटक को पेश किया गया। 1979 को गैजेट नोटिफिकेशन किया जाता है, जिसमें मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन दर्ज की जाती है। लिहाजा अब तक इसे यहाँ का मुस्लिम समाज बतौर कब्रिस्तान इस्तेमाल करता रहा है, पर पिछले कुछ अरसे से किसी लैंड माफिया की नजर कब्रिस्तान पर होने की बात बताई गई और जेसीबी के जरिए खुदाई करने की कोशिश की गई और अपना तसल्लुत कायम करते हुए अपना कब्जा जमाने की भी कोशिश वहां की गई, पर जमात की जानिब से पुलिस को बुलाया गया और एफआईआर भी की गई। एफआईआर की तारीख 14 मार्च 2023 बताई जा रही है। लैंड माफिया की ज्यादती की वजह से सरकारी मोहकमा तक खामोश इख्तियार करने का इल्जाम जमात के जिम्मेदारान की जानिब से लगाया गया। अब हाल ही में जमीन का हिस्सा जिसके दायरा 1 एकड़ 38 घंटा बेचा गया है, जबकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस को खत दिया था कि मिल्कियत गैजेट नोटिफिकेशन की मिल्कियत होने की इत्तला भी दी गई थी। सब रजिस्ट्रार अफसर हंचनाल ने बेचने की इजाजत देने की भी बात इस वक्त आई। लिहाजा डीसी बेलगाम से अपना मुतालबा पेश करते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस वक्त बताया गया। आइए देखते हैं इस पर मुख्तसर रिपोर्ट। बेलगाम शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हिंडलगा गाँव है, जहाँ कन्नड़, मराठी, उर्दू बोलने वाले लोगों की आबादी है। मुसलमान होते हैं तो मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान का होना भी लाजिम है, पर जैसे हमने ऊपर बताया, एक पुराना कब्रिस्तान है और अब तक भी इसमें मैयतों को दफनाया जाता रहा है। पर लैंड माफिया की जमीन पर नजर पड़ी। जमीन का दायरा भी वसी है और इसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती रही है। लिहाजा सांगली के कुछ लोग इसमें होने की बात कही है, तो साथ में मुकामी लोगों की मदद से भी जमीन का एक हिस्सा जिसका दायरा 1 एकड़ 38 घंटे है बेच दिया गया है। इत्तला ये भी हासिल है कि जब तमाम दस्तावेज कब्रिस्तान के मौजूद हैं तो किसके इशारे पर ज़मीन को फरोख्त की गई, आखिर इसके पीछे कौन शख्स है जिसने कब्रिस्तान की पाकिजा जमीन पर नापाक नजर डालने की जुर्रत की है। लिहाजा हिंडलगा जमात के जिम्मेदारान ने आज एमएलए आसिफ सेठ से मुलाकात फरमाकर अपनी फरियाद सामने रखी। वाज़ह रहे कि कब्रिस्तान की जमीन पर नजर तो काफी लोगों की थी, लेकिन जनाब मैनुद्दीन मुल्ला ने हर जायज कोशिश के जरिए इसे बचाने की जद्दोजहद हमेशा करते रहे और कामयाब भी हुए। यकीनन मामला बड़ा संजीदा है। हो सकता है कि जिसने भी ये जुरत की है उसे अंदरूनी खबरें हासिल हो रही हों, क्योंकि हालात कुछ भी हो, लेकिन कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह की जमीन पर कब्जा करने की जुरत गैर तब तक नहीं करता जब तक अपनों की हिमायत उन्हें कहीं से हासिल नहीं होती। लिहाजा कानूनी जंग तो जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द मामला पूरी तरह से मुसलमानों के हक में आए। हेलो, हिंडलगा से बेलगाम से हिंडलगा एक 3 किलोमीटर के एरिया है क्या? वो 3 किलोमीटर एरिया के अंदर हिंडलगा करके गांव है, वहाँ पे एक मुस्लिम कब्रिस्तान है। मुस्लिम कब्रिस्तान बहुत पुरानी कब्रिस्तान है। 1895 से वहाँ पे हिंडलगा मुस्लिम जमात के लोग वो
कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते आए। 1895 में पहला उसका एक म्यूटेशन एंट्री पास हुआ था 146, तभी पहली वहाँ पे मैत को वहाँ पे दफना गया, और 2002 तक वहाँ पे 390 लोगों को दफना गया। सो रिकॉर्ड तहसीलदार ऑफिस में वो रिकॉर्ड हमारे पास भी है। उसके बाद में 1967 के अंदर हमारे गांव के एक पटेल थे, उन्होंने क्या किया था, मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वफ को एक लेटर लिखा था कि यहाँ पे हिंडलगा में एक सर्वे नंबर 88, ये 4 एकड़ 35 घंटे ज़मीन है, ये मुसलमान के लोगों को कब्रिस्तान को देश है, यहाँ पे एक केयर टेकर है देखने वाला गेंजी करके और रेत है सो है, तो फिर ये पूरी ज़मीन मैसूर स्टेट बोर्ड के अंदर वफ करो करके उन्होंने एक लेटर देते हैं। वो देने के बाद में वो टाइम के जो DC थे उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हिंडलगा गांव का तलाटी और डिप्टी तहसीलदार को बेलगा हिंडलगा को पंचनामा करने भेजते। पर ये लोग आते उधर गांव के अंदर एक दो पंच रहते, एक हिंडलगेकर करके और नाई करके, ये दो पंचों को लेकर उसका पंचनामा करते और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को भेज देते। वो होने के बाद 1979 के अंदर एक गैजेट नोटिफिकेशन होता है सर्वे नंबर का कि एक मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन है करके। एक वो होने के बाद में उधर से अब तक मुस्लिम लोग कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते आए। सच इन बिटवीन में क्या हुआ, कुछ ये लोग क्या किए, उसे बेचे, पूरी कब्रिस्तान जो है वो कब्रों के साथ में बेचा गया। तो फिर वो बेचने के बाद में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके क्या, इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2023 को वहाँ पे वो जगह पर आके जेसीपी लेके ये लैंड माफिया वगैरह वो हमारी प्रॉपर्टी पूरी डैमेज करके क्या वो कब्जा लेने की कोशिश करने लगे थे। तब तक हम पुलिस लोगों को बुलाए और उनके ऊपर एक FIR फाइल हुआ है। वो FIR 14 मार्च 2023 को फाइल हुआ है। उसकी इंक्वायरी अभी तक चली नहीं, इसके अंदर भी लैंड माफिया इन्वॉल्व है। इन बिटवीन में इन्होंने क्या किया, 28/8/2023 को क्या वो एक जो पार्ट था कब्रिस्तान का 88/1 मेजरिंग अराउंड 1 एकड़ 38 घंटा वो सभी जमीन उन्होंने बेचा है। ये बोलने का एक बात बोले तो ये जो एक्टिविटी शुरू होने के बाद में हम जनवरी 10 तारीख को सब रजिस्टर को एक लेटर देते कि एक ये गैजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम कब्रिस्तान है क्या, इसके ऊपर कौन सा भी एलिनेशन होना नहीं करके। इतना होने के बजाय भी क्या वहाँ पे जो एक सब रजिस्टर था हंचनाड़ करके क्या वो हंचनाड़ उन्होंने क्या किया, वो लॉक कर ले रहा ये एलिनेशन ओपन करके उसे बेचा है। इसलिए हमारे नॉर्थ MLA जो हैं सिटी के आसिफ सेठ, राजू सेठ साहब पास, उनके पास आके थोड़ा डिस्कशन अभी किए रहे हैं। अभी हमें आज जाके अंजुमन कमेटी की तरफ से अब DC के साथ में जाके हम वो बातचीत करके उसके ऊपर की आगे की कार्रवाई करने वाले। जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है कितना ज़्यादा ताकतवर है कि वो क्या है, वो जो प्रॉपर्टी जो जिसके नाम पे जो उतार आने लगे, टेनेंट का जो उतार रहा है गेंजी करके, उसके अंदर एक इरफान जमादार करके क्या अनोल का लड़का एक रियल इस्टेट है क्या, इसके पहले उसे समझाए थे जब हम उन्हें आए थे, उसके पर FIR भी फाइल हो ऐसा है, यहाँ जमात की तरफ से भी उसे समझाया गया था उसके घर पे जाके, फिर भी उसने वो ज़मीन वो लोगों के साथ में मिलके बेचा है। और वो भी ज़मीन जो बेचे है वो महाराष्ट्र के लोगों को बेचे, और जो महाराष्ट्र के जो लोग ने खरीदी किए है वो सांगली के हैं, वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो। और अभी उन्होंने फ़ोन करके वो हमारे एक सेक्रेटरी को फ़ोन करने लगे, उन्होंने क्या करके कि तुम आओ तुम्हारे से बातचीत करने का, हम कब्ज़ा लेने लगे करके। तो ये बात भी हमने समझाया DC को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को समझाया, और उसके अलावा तुमको बोलता हूँ इस सेशन के वक्त जमीर अहमद साहब को एक लेटर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेटर दिया, और उसके अलावा कर्नाटक का चीफ सेक्रेटरी गोयल साहब के हाथ में लेटर दे के ये DC के ऊपर इंक्वायरी करके डाले सो है। ये DC के कैंसिल नहीं होने की वजह से क्या ये लैंड माफिया सब बेचने लगे, सब ये पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू अथॉरिटी ये पूरा इन्वॉल्व है, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होना विजिलेंस विंग से करके उनको भी लेटर दे सर। जहां लैंड माफिया को लेकर आप खबर देख रहे थे, अब रायबाग मासा कुर्ची से खबर हासिल हुई है। ग्राम पंचायत कुर्ची की PDO मोहतरमा श्रीदेवी गुंडापुर ने 25% कमीशन की मांग की, जिसे लेकर पूरे जिले में चर्चा जारी है, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो चुका है। बतौर दलील ऑडियो सोशल मीडिया पर
काफी वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीदेवी 25% अपने हिस्से का प्रसाद पूछती नजर आ रही है। कोई भी काम हो रिश्वत तो 25% देना होगा, ऐसा कहते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा इससे इतना तो साबित होता है कि रिश्वत किस हद तक सरकारी मोकमाओं में पैवस्त हो चुकी है। इस मोहतरमा यानी देवी का नाम श्रीदेवी है और एक खातून भी है, रिश्वतखोरी की मांग किस तरह बेझिझक कर रही है, आइए देखते हैं इसके कुछ मंजर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भैया नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते हेड़ी। निन्ने नम यमाश माडिल रे भैया, ಒಬ್ಬರು ಬಿಡನ್ ಪುಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನ್ ಭಯ್ಯ ಮುಬಾರಕ್ ಭಯ್ಯ, ಒಬ್ರು ಬಿಡನ್ ಒಬ್ರು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದೇ ನೋಡಾಕತ್ತಾರಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ತಗೊಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು, ಪುಪ್ಪ ಮಿಜ್ಬಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಬಾರಕ್ ರಶೀದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ನಾವ್ ಜಾಗ ತೆಗಿತೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿ ಅವ್ರು, ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಇವ್ರಿಗ ಯಾವ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಅದ ಡ್ರಿಂಗೋಳ ಐತಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬೇಡತ್ತಾರ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿಡದಾರ ದುಡ್ಡು, ಹಾಂ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಿಡದಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಅಡಿಯು ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಐತ್ರಿ ಅದು, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಐತಿ ಟೋಟಲ್? ಈಗ 400,000 ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅದು, 400,000 ಕೆಲಸ, 400,000 ಕೆಲಸ ಐತಿ. 25%ಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರೇನು, ಯಾವ ಊರು ಅವರು? ಅವರು ಶಿರಿದೇವಿ ಬಿಂದಾಪುರ, ಊರ ಹೆಸರು ಏನು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಶಿರಿದೇವಿ ಬಿಂದಾಪುರ, ಕುಡ್ಚಿಪೀಡಿಯೋ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಲೆಟರ್ ಬರೀದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀದಾನ, ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಸಿದಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಸಿದಾನ. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮೆಂಬರ್ ಅವರು 25% ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡತ್ತಾರ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಡಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅಡಿ ಐತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿದಾನ ಸರ್. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಯ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಡವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಯಾಕಿನ ಸರ್, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠದಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಯಾರ, ಬಾತ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ.